जीप कंपस को पहली बार साल 2017 में लॉन्च किया गया था। उस समय अपनी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और 4x4 सिस्टम की वजह से कार काफी पसंद की गई थी। अब कंपनी ले आई है 2021 जीप कंपस, जिसमें नया फ्रंट लुक, बिल्कुल नया इंटीरियर और ढेर सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इस कार की कीमत भी अब बढ़ गई है। कार की कीमत शुरू होती है 16.99 लाख रुपीज़ से और इसके टॉप वेरिएंट के लिए आपको 28.29 लाख रुपीज़ खर्च करने होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या नए फीचर्स की वजह से एक कार अपने बढ़े हुए प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर पाती है। वेलकम टू हिंदुस्तान ऑटो, मैं हूं आपका होस्ट विशाल अहलावत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जीप कंपस में अब एक नया टॉप वेरिएंट मॉडल एस आता है, जो फिलहाल हमारे साथ है। कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों जगह बदलाव हुआ है। शुरुआत एक्सटीरियर से करते हैं। तो यहाँ के जो फ्रंट लुक दिया गया है इसमें, अब वो पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। यहाँ आपको देखने को मिलती हैं पहले की ही तरह 7 स्लेट ग्रिल, लेकिन बदलाव ये है कि पहले ये क्रोम में आती थी, लेकिन अब ये ग्लॉसी ब्लैक डिज़ाइन में आती है। साथ ही जीप का लोगो भी पहले जो क्रोम में था वो ग्लॉसी ब्लैक डिज़ाइन में हो गया है। ग्रिल के ठीक बीच में आपको एक फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है, जो पहले नहीं था। इसके अलावा अपडेटेड बम्पर, नए शार्प और स्लीक LED हेडलैम्प, नई LED DRL और LED फॉग लैम्प दिए गए हैं। कार में अभी भी 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन नया है, जो इस SUV के लुक को और भी बेहतर बनाते हैं। कार के डायमेंशंस भी पहले के जैसे ही हैं। पुराने मॉडल की तुलना में नए SUV में 3 नए कलर ऑप्शन मिले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कार के डिज़ाइन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। रियर पार्ट में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि आप टेल गेट को रिमोट से भी खोल सकते हैं। साथ ही बूट में एक खास बटन दिया गया है, जिससे आप इसको बंद कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो रिमोट से भी इसको बंद कर पाएंगे। जीप कंपस फेसलिफ्ट में सबसे बड़े चेंजेस इसके इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स गो इनसाइड। नई जीप कंपस के इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील से लेकर डैशबोर्ड, टच स्क्रीन और यहां तक कि सेंटर कंसोल तक को बदल दिया गया है। इसकी खासियत है कि अब ये पहले से ज्यादा लग्जरी का एहसास दिलाता है। कार में मिलता है 10.1 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसकी खासियत है कि यह वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें अब कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का फीचर भी शामिल कर लिया गया है। स्क्रीन की क्वालिटी और टच रेस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया है। इसके जरिए आप फोन, म्यूजिक, वेंटिलेटेड सीट्स और कार के कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो। नई कंपस में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें लेदर मटेरियल और डबल स्टिचिंग देखने को मिलती है। लेदर के अलावा क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें नए डिज़ाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और कस्टमाइज होने वाली फुली डिजिटल 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलता है। कार का सेंटर कंसोल भी बिल्कुल नया है। इसमें वायरलेस चार्जिंग के अलावा टाइप सी और साधारण USB पोर्ट, 4-व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स और कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा नई कंपस में वेंटिलेटेड सीट्स, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ के स्पेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी आपको पर्याप्त लेग रूम और हेड रूम मिल जाता है। पीछे आपको हैंडरेस्ट और कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। साथ ही रियर AC वेंट्स, USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। पीछे आराम से 2 लोग बैठकर लंबे सफर पर जा सकते हैं, हालांकि 3 लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इंजन के लिहाज से इस SUV में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें पहले की ही तरह 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है। कार का पेट्रोल इंजन 161 ब्रेक हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं हम जो डीजल इंजन चला रहे हैं वो 170 ब्रेक हॉर्स पावर और 350 Nm के टॉर्क के साथ आता है। कार के पेट्रोल वेरिएंट में 7-स्पीड DCT और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। वहीं डीजल वेरिएंट में
9 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। जो वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाला है। अगर आपको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए तो आपके लिए मैनुअल गियरबॉक्स वाला वेरिएंट ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको क्विक रेस्पॉन्स के मामले में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, जब आप हार्ड पुश करते हैं तब आपको थोड़ी सी इंजन नॉइज़ आ सकती है। ये कार फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में आती है। आप कार की राइडिंग और हैंडलिंग में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सो अब फाइनल पार्ट की, क्या नई जीप कंपस अपने 28 लाख से ऊपर के प्राइस रेंज को जस्टिफाई कर पाती है? वेल, देखा जाए तो कार में जो छोटी मोटी कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट इसका इंटीरियर तो ऐसा है कि आपको ये फेसलिफ्ट कम और एक नई कार ज़्यादा लगती है। इसका इंजन भले ही ना बदला गया हो लेकिन जो इंजन मिलता है उसमें आपको राइडिंग, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस में किसी तरह की शिकायत नहीं मिलती। साथ ही जो इसका 4x4 सिस्टम है वो इसको हर मुश्किल रास्ते के लिए तैयार करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको जीप कंपस के लिए भले ही थोड़ी ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़े लेकिन उसके बदले में आपको कार भी प्रीमियम लेवल की मिलती है। तो ये था हमारा रिव्यू 2021 जीप कंपस को लेकर। आपका कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई कार के साथ। टिल देन, टेक केयर।